आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा लगातार बदमाशों के एनकाउंटर जारी हैं। बावजूद इसके दबंगों का कहर अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला कानपुर देहात कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र की चौकी रनिया क्षेत्र का है, जहां दबंगों ने घर में घुसकर न सिर्फ मारपीट की बल्कि कई राउंड फायरिंग और दहशत फैला दी। करीब आधा घंटे दबंगों ने जमकर तांडव मचाया, जिससे कस्बे में अफरा तफरी मच गई। थाना अकबरपुर के रनिया कस्बे में एक चिटिकपुर चौराहा है, वहां पे दो पक्षों में कल शाम को पहले विवाद हुआ था, गाली गलौज होने की सूचना दिया था दोनों लोगों ने, और उसके बाद देर रात को एक पक्ष ने फायरिंग की है और फायरिंग के साथ उसे घर में घुस के मारपीट का प्रयास किया, जिसका वीडियो भी बना है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और नामजद अभियुक्तों की तलाश की जा रही है, और नामजद अभियुक्तों के अलावा भी कुछ युवक वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, उनकी तलाश की जा रही है और उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि आपसी विवाद का ये मामला कई दिन पुराना है, जिसमें पुलिस मामले में एक बार फिर समझौता भी करा चुकी। रनिया पुलिस के समझाने के बावजूद करीब आधा दर्जन दबंगों ने रात्रि में धावा वॉल्ट हुए घर में घुसकर उत्पात मचाया। इस घटना के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वहीं पीड़ित परिवार घटना के बाद से दहशत में है और परिवार ने चौकी प्रभारी पर घोर लापरवाही बरतने की बात कही है। कानपुर देहात से अवनीश अवस्थी, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ सच का पहरेदार।